हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोरा सिंह आज आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। देखे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले बॉर्न की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 15 वर्ष तक उन्होंने आनंद भवन, इनके घर का नाम है आनंद भवन, उसमें ही शिक्षा ग्रहण की। और एक अंग्रेज उन्हें पढ़ाने घर पर ही आता था। उसके उपरांत उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया तथा यहाँ से उन्होंने बैरिस्टर उत्तीर्ण की थी। ये इनका जन्म है। और जन्म को आज हम इनके जन्म को क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो आज हम जब भी मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है दूसरा, होम रूल की सदस्य था। देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन से लौटने पर होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की और 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल विजिट। देखे 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने पर वो कहां गए, जेल गए। 14 अप्रैल 1930 को पंडित नेहरू बंदी बनाए गए। 26 दिसंबर 1930 को पुनः बंदी बनाया गया और चौथी बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पंडित नेहरू को बंदी बनाया गया। ठीक है। फिर पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव, प्री इंडिपेंडेंस प्रोसल। देखिए पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ लाहौर अधिवेशन में। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया उन्होंने। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। कहाँ पर, लाहौर में। इम्पोर्टेंट है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 26 जनवरी का जो कॉन्सेप्ट है, 26 जनवरी में आज हम मनाते हैं, ये पहले से निर्धारित था कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना। तो इसलिए जो डेट रखी गई थी हमारे गणतंत्र दिवस की, वो 26 जनवरी इसलिए रखी गई थी। फिर है मृत्यु, 27 मई 1964 को दोपहर 2 बजे यह देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी इस संसार से सदा के लिए चला गया। फिर है पंडित नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तकें, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस बुक है। आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक जिसको हम कहते हैं, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, देखे सबसे मेन चीज है इनका योगदान। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ जो है ना असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बहुत सारे इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जैसे कि दूसरा असहयोग आंदोलन में भाग लेना, इन्होंने असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से भाग लिया था। नमक सत्याग्रह में भाग लिया, इनका योगदान था कि जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था तो उसमें ये इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जो 1942 में था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये इनका योगदान था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।